सॉफ्ट स्किल्स जीवन के लिए बच्चों की तैयारी भाग तीन प्रिपेयरिंग किड्स फॉर लाइफ पार्ट थ्री। यह वीडियो हमारे सॉफ्ट स्किल्स जीवन के लिए बच्चों की तैयारी की श्रृंखला का भाग तीन है। इस वीडियो में हम कई अन्य कौशल या स्किल्स के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके जीवन के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। अगला कौशल यह स्किल है प्रभाव में ना आना, डोंट कन्फॉर्म, जैसे है वैसे रहें और स्वयं के लिए भी सोचें। अक्सर हम अपने साथियों या दोस्तों से प्रभावित होते हैं जो हमारे व्यक्तित्व को एक बेहतर या एक बुरी दिशा में धकेल सकते हैं। हमें साथियों द्वारा बुरे दबाव की निगरानी रखनी चाहिए। साथियों द्वारा डाले जाने वाले सकारात्मक और नकारात्मक दबाव की पहचान करनी चाहिए और विभिन्न तरीकों से नकारात्मक सहकर्मी दबाव यानी कि नेगेटिव पीयर प्रेशर को दूर रखने की योजना भी बनानी चाहिए। आइए जानते हैं कि हम सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव को कैसे पहचानें। नकारात्मक सहकर्मी दबाव यानी कि नेगेटिव पीयर प्रेशर आपको अपने जीवन के लक्ष्य से भटका सकता है। यह आपको फिजूल खर्चे करने के लिए उकसा सकता है। इसके चलते आप गलत आदतों की तरफ भी जा सकते हैं। यह आपको कम कर्मठ भी बनाता है। आप अपने व्यक्तिगत मूल्यों को भी खोने लगते हैं। आप उदास और तनावग्रस्त यानी कि स्ट्रेस्ड रहने लग सकते हैं। दूसरी तरफ सकारात्मक सहकर्मी दबाव यानी कि पॉजिटिव पीयर प्रेशर आपको दूसरों का सम्मान करना सिखाता है, आपको और मेहनती बनाता है, आपको नए खेल और क्लबों में भाग लेने के लिए उत्सुक बनाता है, स्वस्थ निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है, पढ़ाई में मेहनत और अच्छे ग्रेड्स प्राप्त करने के लिए भी प्रेरित करता है, समुदाय में स्वयं सेवा या वॉलंटियर के लिए उत्सुक बनाता है और आपके नेतृत्व कौशल यानी कि लीडरशिप स्किल्स में भी वृद्धि करता है। हमने यह तो जान लिया कि सकारात्मक और नकारात्मक सहकर्मी दबाव के क्या प्रभाव होते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम सहकर्मी दबाव या साथियों के दबाव से निपटने के लिए आवश्यक कौशल को भी विकसित करें। साथियों के दबाव से निपटने के लिए आपको इन आवश्यक कौशल में वृद्धि करने की आवश्यकता है, जैसे कि स्वयं जागरूकता यानी कि सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाना, तनाव और भावनाओं के साथ मुकाबला करना, सही निर्णय लेना, समस्याओं को सुलझाना और पारस्परिक यानी कि आपसी या इंटरपर्सनल संबंधों को मजबूत करना। ऐसा करने से आपको सहकर्मी दबाव से निपटने में मदद मिलेगी। इस कड़ी में अगला कौशल है समानुभूति या संवेदना, जिसे एम्पथी कहते हैं। दूसरों की तकलीफ में खुद को वहां रखकर देखना। समानुभूति या संवेदना किसी अन्य व्यक्ति की कठिनाइयों और दृष्टिकोण को समझने की क्षमता को कहते हैं। सिंपथी यानी कि सहानुभूति और एम्पथी यानी कि समानुभूति में नजरिए का फर्क होता है और समानुभूति या संवेदना में हम तकलीफ को और आत्मसात के साथ महसूस करते हैं। इस पाठ के अनुसार समानुभूति या संवेदना बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल है और इसे विकसित करने के लिए निम्नलिखित विचारों का पालन करें। अजनबियों के बारे में सकारात्मक जिज्ञासा का विकास करें। पक्षपात यानी कि प्रेजुडाइस को चुनौती दें और समानता की सराहना करें। दूसरों को स्नेह यानी कि फिजिकल अफेक्शन प्रदान करें। दूसरों को मदद का प्रस्ताव रखें। ज्यादा से ज्यादा वॉलंटियर या स्वयं सेवक करें। अपनी कल्पना का प्रयोग करें। लोगों को महत्वपूर्ण माने। संबंधों को मजबूत करें।
दूसरों के व्यक्तिगत अनुभवों को पहचाने और उनसे सीख लें। अपने दिल का इस्तेमाल करते हुए दूसरों की पीड़ा को सुने। ऐसा करने से हम समानुभूति या संवेदना का कौशल विकसित कर सकते हैं। धन्यवाद।